एक हो गए हम और तुम, तो उड़ गई नींदे रे, और कन की पायल मस्ती में तो कंगन खनके रे। हम्मा, ये है हम्मा। लीब्रा, ओ सेवन ऑफ कप्स, मुझे बता था। यस, एक हो गए हम और तुम, तो उड़ गई नींदे रे। लिब्राज, टावर कार्ड नजर आ रहा है मुझे। सिक्स ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स। लिब्रा, लव रीडिंग फॉर दिसंबर 2019-11 थ्रू जनवरी 11, 2020। एक महीना तक की लव एनर्जीज आपके लिए। लिब्रास मेरे सामने हैं, और सेवन ऑफ कप्स, यू आर लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस इन लव, बिकॉज आई थिंक जो आपका ऑलरेडी कोई पोटेंशियल पार्टनर था, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उसके साथ तो हो चुकी है आपकी सेपरेशन, लड़ाई। एंड प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड स्टॉकिंग, सोशल मीडिया स्टॉकिंग, मे बी सोशल मीडिया पर लड़ाई हुई है, सोशल मीडिया की वजह से लड़ाई हुई है। एंड क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। ओके, सो ओ यहाँ पर दो दो क्वींस एक साथ। विग्रास, व्हाट आर यू डूइंग? आई वांट टू चेक इट। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स, दो दो फेमिनिन एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। क्या ये दोनों फेमिनिन एनर्जीज एक ही हैं? प्लीज टेल मी। क्या ये दोनों फेमिनिन एनर्जीज एक ही हैं? ओके लीब्रा, सो आपकी क्वीन ऑफ कप्स में भी आप मेल वॉचिंग है, ये फीमेल आपकी एनर्जी हो सकती है, आपकी पार्टनर फीमेल है, और अगर आप एक फीमेल वॉचिंग है तो ये आपका पार्टनर हो सकता है। प्रीवियसली जिस व्यक्ति ने आपको प्यार दिया था, या प्रीवियसली जिस व्यक्ति ने आपको लव ऑफर किया था, या एनर्जी स्वाइप कर सकती है, ऐसा आपने किसी के साथ किया हो या ऐसा आपके साथ हुआ हो, तो अगर आपने प्रीवियसली किसी को प्यार ऑफर किया था, या आपकी तरफ कोई लव ऑफर आया था, तो नाउ दैट ऑफर इज क्लोज्ड फॉर यू। इस व्यक्ति ने आपकी तरफ हार्ट क्लोज कर लिया है, या आपने इस व्यक्ति की तरफ हार्ट क्लोज कर लिया है। एंड देयर इज एट ऑफ कप्स, मूविंग अवे, वॉकिंग अवे फ्रॉम ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे से अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। Why? Because of five of wands. कुछ तो लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ तो विचारों में मतभेद हुआ है, इसकी वजह से दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। हम जुदा हो गए, रास्ते खो गए। वन पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स सक्सेस, अचीवमेंट्स, एंड द अदर पर्सन इज स्टिल थिंकिंग वॉट टू डू, वॉट नॉट टू डू, वॉट टू डू, वॉट नॉट टू डू। एक व्यक्ति अभी भी अपने मानसिक एंट्रैपमेंट में है, एक व्यक्ति अभी भी इस चीज को रिजुविनेट करना चाहता है। मे बी बोथ ऑफ यू आर थिंकिंग ऑफ ईच अदर। आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ एक दूसरे को वॉच कर रहे हैं, पर शायद पहले कदम कौन बढ़ाए या पहले कौन आ गया है, इस बात पर मतभेद है। या आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने इनिशिएटिव लिया, या आपके पर्सन ने इनिशिएटिव लिया, तो शायद दूसरा व्यक्ति उसको रेस्पॉन्ड ना करे। इस डर की वजह से आप दोनों ही ऑफर नहीं कर रहे हो। एंड द मेल मेल पार्टनर हियर इज द मेल पार्टनर हियर इज लिटिल बिट कंफ्यूज, लिटिल बिट इमेच्योर। ही वॉन्ट्स टू ऑफर हिज लव, ही वॉन्ट्स टू अपोलोजाइज। मे बी आपके बीच में कुछ लड़ाई हुई हो। द मेल पर्सन, मे बी द फीमेल, इट इज नॉट नेसेसरी कि मेल ही हो। एक व्यक्ति ऑफर ले देना चाहता है, एक व्यक्ति शायद झगड़े को खत्म करके सॉरी बोलना चाहता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति पूरी तरह से शट ऑफ हो चुका है, और उसके शट ऑफ हो जाने की वजह से दूसरा व्यक्ति को भी हिम्मत नहीं हो रही है, उसकी तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही। दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, और दोनों
दोनों अपनी अपनी लाइफ में दूसरे ऑप्शंस की ओर बढ़ रहे हैं. समथिंग एल्स, ओके, यस, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, यस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओ द टावर कार्ड इज देयर, आई टोल्ड यू मैंने टावर देखा था. तो इस वक्त इस रिलेशनशिप के अंदर एक डिस्टेंस मेंटेन हुई है, इस रिलेशनशिप में बातचीत बंद है, और इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व दोनों पार्टनर अपने अपनी फैमिली लाइफ या अपने अपनी पर्सनल लाइफ्स को बिल्डअप करने पर लग चुके हैं, क्योंकि दोनों को ऐसा लगता है कि इस वक्त इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के कोई चांसेस नहीं है. तो लेट्स चेक द लेनोमान डेक. आई वॉन्ट टू चेक, आई हैव फेरी टेल लेनोमान डेक, दिस क्यूट लिटिल कार्ड्स आर हियर विद मी, एंड मैं देखना चाहती हूँ लेनोमान एनर्जीज लिब्रास के लिए क्या मैसेज लेकर आई हैं. लिब्रास या आप या आपके पार्टनर क्लाउड्स, यस, सेवन ऑफ कप्स, यू यू आर, आप और आपका पार्टनर या आप दोनों ही बहुत सोच विचार कर रहे हैं, आइडियाज प्लानिंग्स तो आप बहुत बना रहे हैं, लेकिन उन पर एक्शन लेने का इस वक्त आपका कोई प्लान नहीं दिखता है. जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, आप मेंटली जो कुछ सोच रहे हैं, विचार बहुत कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ मेंटल है, बाहर अभी तक सॉलिडिफाई नहीं हुए हैं, आपके प्लान सॉलिडिफाई नहीं हुए हैं. वाई? बिकॉज यू बोथ आर साइकिक्स, आप दोनों की साइकिक पावर्स काफी तेज हैं, और आप अपने लेवल पर ही ये दिमाग लगाकर इंट्यूशन से पता कर रहे हैं कि व्हाट द अदर पर्सन इज थिंकिंग एंड व्हाट द अदर पर्सन इज डूइंग. ये क्लैरिटी आप अपने साइकिक पावर से ही पाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इस वक्त में एक दूसरे की ओर बढ़ना, मूवमेंट करना ठीक नहीं है, इसलिए आप जहां हैं वहीं पर रुक गए हैं और वहीं पर से अपने आप को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं. आप अपने अपने फैमिली लाइफ में, अपने अपने घर परिवार में टाइम बिताना पसंद कर रहे हैं इस वक्त, और आप अपने आप को एंकर करके रखना चाहते हैं. आप अब और ज्यादा इम्बैलेंस नहीं होना चाहते, मे बी यू और योर पर्सन, और यदि आप इस तरीके से एंकर करके रखते हैं, बिना इस लड़ाई झगड़े से बाहर निकलकर खुद को ग्राउंड करने का काम करते हैं, देन मे बी क्वाइट पॉसिबल ये आपके लिए तो अच्छा होगा ही, शायद आपके रिलेशनशिप में भी फेथ एस्टेब्लिश करने में ये मोमेंट इस वक्त काम आएगा. मे बी कुछ समय के बाद आप दोनों या आप में से कोई एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करने के बारे में सोच सकता है. फिलहाल तो इसकी संभावनाएं कम लगती हैं. देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है. व्हाट शुड यू डू मोर टू कम इनटू बैलेंस, इस रिलेशनशिप को बैलेंस में लाने के लिए या स्वयं को बैलेंस में लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए. सरेंडर टू वंडर एंड ऑ, यस, इस वक्त तो आपने सरेंडर किया ही हुआ है. जो कुछ जैसा चल रहा है उसको ऐसा एक्सेप्ट करने के मोड में हो आप भी या शायद आपका पार्टनर भी, और आप इस वक्त जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर, और ये आपका मूवमेंट सही है. अगर इस वक्त में पॉसिबिलिटी नहीं है एक दूसरे की तरफ चलने की, या इस वक्त में पॉसिबिलिटी नहीं है इस रिलेशनशिप के वर्कआउट होने की, तो ऐसे में सरेंडर कर देना ही एकमात्र उपाय है, और जो कि सही सही रास्ता है. यस, सरेंडर टू अटैचमेंट ऑफ रिजल्ट्स, ये तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं. रिजल्ट जो कुछ होने वाला है उसके ऊपर, उसके रिजल्ट्स पर अभी आप कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, और अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड है तो आपको सलाह दी जा रही है रिजल्ट पर कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान. जो आपने इस रिलेशनशिप में अगर आपने अच्छे सीड्स सो किए होंगे तो ऑब्वियसली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. आपने जैसा इस रिलेशनशिप में इंट्रोड्यूस किया होगा, आपने जैसी एनर्जी इस रिलेशनशिप में डाली होगी, वैसी ही एनर्जी आप तक रिटर्न बैक होकर आने की पूरी पूरी संभावना है. आप अपना काम, अपना पार्ट ठीक से निभा लीजिए, आप रेस्ट एंड रिजुविनेट कीजिए, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, आप अपने आप को बैलेंस करने पर काम कीजिए, और बाकी जो कुछ होने वाला है उसे आप भगवान के हाथों में सौंप दीजिए. सरेंडर टू सक्सेस. और जब इस तरीके से आप चलते हैं तो इस रिलेशनशिप में, आई टोल्ड यू, इस रिलेशनशिप में आगे जाकर सक्सेस पाने की संभावना है. इस रिलेशनशिप में अबंडेंस की संभावना है. इस रिलेशनशिप में डिफिकल्टीज को डिफिकल्टी से आगे बढ़कर लीप ऑफ फेथ, यानी कि एक न्यू बिगिनिंग की, न्यू पॉसिबिलिटी की पूरी पूरी संभावना है. अगर आपने इस वक्त सरेंडर कर दिया, अगर आपने इस वक्त
अपना अटैचमेंट खत्म किया, अगर आपने रिजल्ट्स के ऊपर फोकस नहीं किया, आपने अपनी हीलिंग पर फोकस किया, आपने अपने रेस्ट एंड रिजुविनेशन, अपने आप को बैलेंस करने पर फोकस किया, तो क्वाइट पॉसिबल है कि इस रिलेशनशिप में आगे चलकर आपको सक्सेस मिल सकती है। और क्या गाइडेंस आपके लिए आना चाहती है देखते हैं। आई थिंक आप दोनों ही पार्टनर्स एक दूसरे के लिए फेथफुल हो, हालांकि आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, हालांकि आपने एक दूसरे से वॉक अवे किया है और किसी न किसी मुद्दे पर आपका झगड़ा भी हुआ है, लेकिन लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ में एक हैप्पी स्टेबल लाइफ चाहते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ में पीसफुल टाइम बिताना चाहते हो, आप एक दूसरे के साथ में एक लाइफ शेयर करना चाहते हो और आप एक दूसरे के साथ फेथफुल हो और आप इस रिलेशनशिप को लाइफ लॉन्ग आगे तक ले जाना चाहते हो, आप इसमें कहीं भी ब्रेकअप नहीं करना चाहते, ना आप और ना मुझे लगता है आपका पर्सन भी नहीं। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी है कि इस वक्त आप कांटेक्ट में नहीं रह सकते, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी है कि इस वक्त इस रिलेशनशिप पर ब्रेक आया हुआ है, लेकिन दोनों ही पार्टनर्स एक दूसरे के लिए फेथफुल हैं, दोनों ही पार्टनर्स इस वक्त शांति के साथ में वेट कर रहे हैं गुड टाइमिंग से, और टाइम मेरे हाथ में है, कार्ड मेरे हाथ में, डिवाइन टाइमिंग, आप डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दीजिए इस रिलेशनशिप को, आप डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दीजिए, चीजें अपने टाइम पर, यानी यूनिवर्स आपके लिए इस तरह से अरेंजमेंट्स करेगा कि ये रिलेशनशिप एक बार फिर से फ्लॉरिश कर पाए। बाउंड्रीज एंड पीस, यस, इस वक्त आप बाउंड्रीज का मतलब है आप अपनी सीमाओं में रहिए, हो सकता है इस वक्त इस व्यक्ति को अप्रोच करना पॉसिबल नहीं है या इस व्यक्ति का आपको अप्रोच करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे समय में अपनी एनर्जी और टाइम को बिना कारण के चीजों को वर्कआउट करने पर मत लगाइए, हो सकता है और ज्यादा इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है इससे और ज्यादा टावर मोमेंट्स क्रिएट हो, इसलिए अपनी बाउंड्रीज में रहिए और इस समय और इस एनर्जी को आप अपने डेवलपमेंट पर लगाइए एंड पीस, शांति में रहिए, क्योंकि जो कुछ होता है डिवाइन टाइमिंग में होता है, जो कुछ होता है आपके बेस्ट के लिए होता है, इसलिए एम्ब्रेस योर कंफ्यूजन, अगर आप कंफ्यूज हैं तो कंफ्यूज मत रहिए, ये मान के चलिए कि जो कुछ भी हो रहा है इट इज अंडर डिवाइन प्लान, ये सब डिवाइन प्लान के अंतर्गत हो रहा है, लेट देयर बी पीस, शांति से इस वक्त को गुजरने दीजिए, लेट देयर बी पीस इन नॉट नोइंग ऑल द आंसर्स, अगर आपको नहीं पता है कि आपका व्यक्ति इस वक्त क्या कर रहा है, क्या चाहता है, क्या सोच रहा है, और आपको अपने लिए भी कुछ नहीं पता है कि आपको क्या करना चाहिए या क्या आपका नेक्स्ट मूवमेंट होना चाहिए, तो कुछ समय इस वक्त को शांति से बिताइए, बाउंड्री में रहकर बिताइए, समय अच्छा समय आने की इंतजार कीजिए, और जब तक ये समय नहीं आता है तब तक रेस्ट एंड रिजुविनेट कीजिए, अपने आप को ग्राउंडेड करने पर, अपने आप की हीलिंग पर, मेडिटेशन करके अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने पर काम कीजिए। तो ये था लीब्रास के लिए लव रीडिंग, और यस मैंने सेशंस देना स्टार्ट कर दिया है, अगर आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, मेडिटेशन कैसे किया जाता है अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ में हीलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं, उस हीलिंग सेशन में मैं आपके जो आपके जो भी आपकी फियर्स हैं या जो भी आपके अड़चने हैं, जो भी आपके ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको हम बैठकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनसे पार पाने के लिए, उन पर ठीक एक्शन लेने के लिए किस तरीके से मेडिटेट किया जा सकता है, कैसे अपने आप को बैलेंस में लाया जा सकता है, इस पर अगर आपको गाइडेंस चाहिए, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हीलिंग पर वीडियो बनाइए या हीलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, तो मैंने वीडियो बना रखा है, हाउ टू हील योर सेल्फ पर एक वीडियो मैंने बना रखा है, एक या एक से ज़्यादा वीडियोज बना रखे हैं, पर हीलिंग इज़ अ वन टू वन प्रोसेस, हर एक व्यक्ति के साथ हीलिंग डिफरेंट तरीके से काम करती है, इसलिए और मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है कि मैं हीलिंग के लिए वीडियोस बना पाऊँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने कोर्स के साथ बिजी हूँ, हीलिंग कोर्स के साथ में बिजी हूँ, तो अगर आपको एक हीलिंग सेशन चाहिए मेरे साथ, हीलिंग क्या होती है आप जानना चाहते हैं और हीलिंग कैसे की जाती है आप ये जानना चाहते हैं, तो आप एक सेशन बुक करवा सकते हैं, मैं उसमें आपको गाइडेंस करूँगी व्हाट इज हीलिंग, व्हाट काइंड ऑफ हीलिंग्स यू नीड, और
उसमें बेसिक मेडिटेशन टेक्निक्स मैं आपको सिखाकर बेसिक मेडिटेशन टेक्निक्स के ऑडियोज आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। इसमें स्पेसिफिक हीलिंग शामिल नहीं होंगी इस सेशन में, इसमें जनरल हीलिंग गाइडेंस और जनरल मेडिटेशन के ऑडियोज शामिल होंगे। तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी अगर आपको कन्फ्यूजन है कि हीलिंग क्या होती है, हीलिंग कैसे की जाती है या मेडिटेशन कैसे किया जाता है, वॉट इज द प्रॉपर मैथड टू डू मेडिटेशन, तो यू कैन ज्वाइन, यू कैन बुक अ सेशन विद मी। मेरा हीलिंग का कोर्स भी रन हो रहा है जिसका सेकेंड बैच की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसका सेकेंड बैच मोस्ट प्रोबेबली मैं फेब्रवरी में स्टार्ट कर दूंगी। तो फरवरी में अगर आप मेरे साथ हीलिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। उसकी एडवांस बुकिंग आपको अभी से करवानी होगी क्योंकि उसमें लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। और हीलिंग सेशन एक 4 महीने का कोर्स होता है जिसमें आपको वीकली हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं किस तरीके से आपको जाना है। डे टू डे इसके अंदर आपको गाइडेंस दी जाती है। और फेब्रवरी में ये कोर्स चल रहा है, तो अगर आपको सिंपली हीलिंग क्या है ये जानना है तो एक सिंगल सेशन बुक करवा सकते हैं। और अगर आपको कंप्लीट हीलिंग मेरे साथ करवानी है तो उसके लिए भी आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था लिब्रास के लिए नेक्स्ट एक मंथ की लव एनर्जीज, आपको पसंद आई होंगी। मैं वापस जल्दी आती हूँ अपने दूसरे वीडियोस के साथ। जेमिनी को बहुत शिकायत है मुझसे कि मैं उनको टाइम से वीडियो बना के नहीं देती, और बचा कौन, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस आज अभी बना के देती हूँ, आपकी शिकायत पूरी होती है। Bye, stay happy and stay blessed.